हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 8th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे। उसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट में देखेंगे और उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर ऑफ 18th सेंचुरी? औरंगजेब। व्हेन डिड औरंगजेब डाई? इन 1707 यानी कि 1707 AD। वट वॉज द रीजन ऑफ एमरजेंस ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया? डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इन विच प्रोविंस ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन इट्स ट्रेड? फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ बंगाल। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर इन इंडिया? बहादुर शाह जफर। हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप? वास्को डी गामा, अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर इन 1498। वेयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री? ये ऐसे पूछ सकते हैं, व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश? इन 1651 ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड इट्स फैक्ट्री? 1696। नेम थ्री नवाब ऑफ बंगाल, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला। व्हेन वॉज अलीवर्दी खान डाइड? इन 1756 AD। हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान? सिराजुद्दौला। व्हेन रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी एट प्लासी अगेंस्ट सिराजुद्दौला? इन 1757। हु अमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी? ब्रिटिशर्स। हु बिकेम नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? मीर जाफर। हु वॉज इंस्टॉल एज नवाब ऑफ बंगाल इन प्लेस ऑफ मीर जाफर? मीर कासिम। मैच द फॉलोइंग, सीधा हम आंसर देखेंगे इसमें। दीवानी, दीवानी किसके साथ मैच होगा? राइट टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट। रानी चेन्नम्मा लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कितूर। सिपाही, सिपॉय। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ डैश, प्लासी आएगा इसमें, ठीक। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी? फॉल्स। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया? फॉल्स। महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब? ट्रू। द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन द टेरिटरीज दे कॉन्कर्ड? फॉल्स। वॉट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया? द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर लुक्ड फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस। मोर ओवर द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ मेजर मार्केट इन यूरोप। पेपर, क्लॉथ, कार्डमम्स एंड सिनेमन्स टू वर इन ग्रेट डिमांड, दैट्स वाई यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। नेक्स्ट देखिए। वट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी? फर्स्ट वन, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री फ्रॉम मुगल एम्परर, बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु यूज टू डू प्राइवेट ट्रेड्स रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस एज वेल एज दे वर एक्सपेक्टेड टू पे द ड्यूटी। इट कॉज इनॉर्मस लॉस ऑफ रिवेन्यू फॉर द बंगाल। सेकेंड वन, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू फोर्टिफाई इट्स सेटलमेंट। नवाब ऑफ बंगाल आस्क्ड देम टू स्टॉप फोर्टिफिकेशंस विच लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशंस टू द कंपनी। इट ऑल्सो डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। इट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। फोर्थ वन, द कंपनी वॉज डिप्राइविंग बंगाल फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एंड वॉज अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। इट ऑल्सो लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोथ। हाउ डिड द अजम्पशंस ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी? द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट ऑफ बंगाल इन 1765। इट अलाउड द कंपनी टू यूज वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल फॉर इट्स एडवांटेजेस। सेकेंड वन, फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी कंपनीज ट्रेड विद इंडिया एक्सपेंडेड, बट इट वॉज फोर्स टू बाई मोस्ट ऑफ द इंडियन गुड्स विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ब्रिटेन
It was so because they had no goods to sell in India, but Revenue of Bengal led to finance of the company expenses. Third one, Revenue of Bengal could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. Fourth one, the company started to strengthen its position in India with the Diwani rights, and within short span of time, they conquered whole of India. Explain the system of subsidiary alliance. The subsidiary alliance system was started by Lord Wellesley in 1798 AD. He wanted to expand the British Empire in India and to make the company very powerful. It was possible only if all the native rulers and nawabs were made powerless. He took advantage of the subsidiary alliance system and brought many native rulers under the British control. Terms of the subsidiary alliance. Subsidiary alliance were made between the company and the native rulers. The company promised to give military help to the rulers who entered into subsidiary alliance with it in case of internal or external aggression. The local rulers had to accept the following terms. First one, he had to accept the supremacy of the company. He was not allowed to make war or treaty with any local rulers without the permission of the company. He had to keep a battalion of English army in his states for his safety, and he had to pay its expenses to the British. Third one, he had to keep an English residence at his court. Write a short note on the Battle of Plassey. The Battle of Plassey was fought between the British East India Company and the Nawab of Bengal, Sirajuddin. The Nawab was annoyed with the British due to several reasons. He caused a great loss to the British by invading Qasim Bazar to take revenge. Clive hatched a conspiracy against him and won the confidence to Mir Jafar, the army commander of the Nawab of Bengal. When the battle started, Mir Jafar stood aside. Sirajuddin was discouraged as a result of this treachery of Mir Jafar and ran away from the battlefield Mira. Son of Mir Jafar killed him. This battle proved to be very important for the English from historical point of view. The English became the real master of Bengal, and it became easy for them to expand their power in India. That's all for today. Thank you. Have a nice day.